श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामकथा मंदाकिनी नदी है, निर्मल चित चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी का विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पुण्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दान दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। यह ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धनी है। संपूर्ण पुण्य के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो और इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी अनंत है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिसे कथा की रचना में कोई दोष स्पष्ट न करने पाए। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में ही चले आते हैं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम सरी श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खानों प्रकार के अनंत जीव है। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी के शरीर में छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट कर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाला और कल्याण के खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं।
इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाता है। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की है। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को, कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा था। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाला सुहावनी राम कथा को कहता हूँ, हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से इस जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसने यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहरी बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर की चार मनोहर घाट है। सात कांड ही इस मान सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां है, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्भाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ है। जो सुंदर छंद सोटे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, धर वसु दशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम, राम राम राम, राम।